लसीकरण समारंभासाठी एकता मंचने हा कार्यक्रम आयोजित केला। यामध्ये सर्व धर्मीय त्याचबरोबर सर्व सेक्टरमधून असलेले जे मंडळ आहेत त्या मंडळांनी त्यांनी केलेल्या चांगल्या कार्याबद्दल या ठिकाणी त्यांचा गौरव केला। आणि ह्या गौरवामुळे मला असं वाटतं की या सर्व मंडळांना अधिकाधिक प्रमाणात चांगलं काम करण्याची प्रोत्साहन मिळेल आणि अधिकाधिक चांगलं काम येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच करते। अजय सर, आपसे जानना चाहूंगा जो इनिशिएटिव इस साल आप लोगों ने लिया है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का, साथ ही इस साल गणेशोत्सव जिस तरह से मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जो दो तीन साल की जो कसर थी, जैसे पुलिस लोग भी कह रहे थे कि पूरी सेफ्टी के साथ होना चाहिए, क्या नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पूरे मुंबई शहर में गणेशोत्सव मनाया गया। उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट का तो बहुत बड़ा रोल था और इतने दो साल के बाद लोगों ने बहुत ही जलोशस के साथ बहुत ही धूम धड़ा के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही सर, इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन से एजेंसी से जिस तरह का सपोर्ट मिला सर, उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो उनके सपोर्ट से ही ये प्रोग्राम जो गणेश उत्सव का कार्यक्रम हुआ वो उनके वजह से इतना सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब में उनका बहुत बड़ा रोल। सर, अगले साल के लिए एकता मंच क्या कुछ प्लान कर रहे हैं स्पेशली गणेश उत्सव के लिए? नहीं, गणेश उत्सव के लिए सिर्फ हम लोग यही चाहते हैं और हर साल 15 साल से यही कोशिश करते हैं कि गणेश उत्सव मंडलों में लोगों की संख्या, भारी संख्याओं में लोग गणेश दर्शन के लिए आते हैं। तो उसी वक्त अगर सामाजिक अवेयरनेस लोगों में क्रिएट किया जाए, सोशल अवेयरनेस अगर क्रिएट किया जाए, तो एक सही मैसेज लोगों तक पहुँचता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।